बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक ज़ेरे बहस है वो है बैक्टीरियल डिजीज़ेस। बैक्टीरियल डिजीज़ेस इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया के ज़रिए डिजीज़ेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ेस। उन डिजीज़ेस में सम ऑफ दीज आर कॉलरा। कॉलरा स्टडी करेंगे। कॉलरा एक डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के काज बैक्टीरिया काज करता है। कॉलरा हर एक बीमारी की कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स इस बीमारी के कॉलरा के जो सिम्टम्स हैं उनमें सबसे पहले है वाटरी डायरिया होगा। कॉलरा ऑफन प्रेजेंट विद प्रोफ्यूज पेनलेस आर वाटरी डायरिया। डिहाइड्रेशन होगा। रैपिड लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। लॉस होगा फ्लूइड का तो डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी जिसे हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहते हैं जब बॉडी में वाटर की कमी हो जाए ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ फ्लूइड विद डायरिया, क्योंकि वाटरी डायरिया है इसलिए पानी की कमी होगी, इस कंडीशन को कहेंगे डिहाइड्रेशन। विच मे रिजल्ट इन सिम्टम्स लाइक ड्राई माउथ सनकिन आइज जस्ट लाइक अ सनकिन हो जाएंगी एंड लो यूरिन आउटपुट, और यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। उसके साथ वॉमिटिंग होगी, मसल क्रैम्प्स होंगे और शॉक होगा। इन द केस ऑफ जब शॉक होगा तो कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो अपना काम बंद कर देंगे। दीज आर द सिम्टम्स ड्यू टू द कॉलरा। वट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़। कॉलरा का ट्रीटमेंट क्या है? रिहाइड्रेशन। द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर कॉलरा इज ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी। ओ आर टी ओरल। ओरल वर्ड, जब भी ओरल का वर्ड आए इसका मतलब होता है रिलेटेड विद माउथ। रिहाइड्रेशन, वाटर की कमी दूर करना। री अगेन हाइड्रेशन, अगेन वाटर आएगा इसे कहेंगे रिहाइड्रेशन थेरापी। और इंट्रा वीनस फ्लूइड टू रिप्लेस लॉस फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो लॉस हो गए फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स वो वापस आएंगे, इसे हम कहेंगे ORT, जिसका मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी। एंटीबायोटिक्स यूज की जाएंगी, जिंक सप्लीमेंट ली जाएगी, कॉलरा होगी। दीज आर द सम प्रिवेंशन ड्यू टू द कॉलरा। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, फूड सेफ्टी, अवॉइड कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेस। बैक्टीरियल डिजीज जिसे हम कहेंगे टाइफाइड। सिम्टम्स क्या हैं टाइफाइड? क्या होता है टाइफाइड्स? हाई फीवर होगा, फीवर बहुत ज़्यादा होगा। इंगेज इन लार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, इनलार्ज हो जाएगी, स्प्लीन बढ़ जाएगी। कॉजेज क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है तो बैक्टीरिया है ऑब्वियसली, इस बैक्टीरिया को कहेंगे सल्मोनेला टाइफी। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं और वैक्सीन इज आल्सो यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम द टाइफाइड। Another bacterial disease that is TB, tuberculosis. इसके हम स्टडी करेंगे सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। इसे कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी वर्ड इज यूज फॉर द लंग्स, लंग्स के लिए यूज होगा, इसे कहेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस है TB, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे TB। इज ए बैक्टेरियल इन्फेक्शन दैट प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स, लंग्स को अफेक्ट करेगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स इंक्लूड परसिस्टेंट कफ दैट लीड्स 3 वीक्स और लॉन्गर। कंटिन्यूसली कफ होगी, ये 3 वीक्स भी चल सकती है या उससे ज्यादा भी। कफिंग अप ब्लड और स्पटम, कफिंग होगी विद ब्लड या स्पटम के साथ। चेस्ट पेन होगा, फतीग होगा, अनइंटेंडेड वेट लॉस होगा, फीवर एंड
नाइट स्वीट्स होगा। उसके बाद है निमोनिया। सिम्टम्स क्या हैं निमोनिया के? सडन चिल, कफ एंड प्लूरेटिक पेन। काजेज बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ट्रीटमेंट इस डिजीज के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं।